हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्सिटी 5 इंडिया। मैं कपिल गौतम प्रेम। नवाबाद थाना इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति की 3 वर्षीय पुत्री को दो आरोपी छोटू कुशवाहा व नत्थू कुशवाहा उठा कर ले गए थे। उन्होंने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर सब को नारायण बाग स्थित झाड़ियों में फेंक कर भाग गए। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के बाद 8 नवंबर को सब बरामद कर लिया था। मौके से पुलिस को आधा सब ही मिल पाया था। इस घटना को करीब 1 सप्ताह बीतने को है, लेकिन आज तक पुलिस बच्ची का आधा सब बरामद नहीं कर सकी। परिजन भी लगातार पुलिस से आधा सब बरामद करने की मांग भी उठा रहे हैं। इस घटना ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। खासकर बच्ची की माँ व पिता की रातों की नींद उड़ चुकी है। परिजनों का कहना है कि हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। बृहस्पतिवार को बच्ची के माँ पिता व रिश्तेदारों ने जिलाधिकारी के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। सभी ने कहा कि पुलिस ने दो हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक आरोपी का कोई पता नहीं है। उस पर अब तक कोई FIR भी दर्ज नहीं की गई है। सभी ने कहा कि मुकदमे को 3 माह के भीतर निस्तारित कर दोषियों को फांसी की सजा दिलवाई जाए, ताकि आगे कोई इस तरह की घटना को अंजाम न दे सके। बच्ची की मां ने कहा है कि यदि जल्द ही हत्यारों को फांसी नहीं मिली तो वह जिंदा नहीं रहेगी, अपनी जान दे देंगी। वहीं परिजनों ने न्याय के लिए नेताओं से भी मुलाकात की। बच्ची की फोटोज और देखिए यह अन्य वीडियो। कुछ दिनों पूर्व नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत को अंजाम देने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की गुहार की गई। मारी गई बच्ची के परिवार के लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और अपनी बच्ची की फोटो दिखाकर फूट फूट कर रो पड़े। बच्ची के पिता करण सिंह का कहना है कि अभी तक उनकी बच्ची का आधा धड़ नहीं मिला है। पुलिस कहती है कि उसके धड़ को जानवर आदि खा गए। इस मामले की जांच होनी चाहिए। कारण का कहना है कि जब तक उनकी बच्ची के हत्यारे को फांसी की सजा नहीं दी जाती, तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। बताते चले कि कुछ दिन पूर्व ग्राम गुमनावारा के घर में खेल रही एक 3 साल की मासूम बच्ची के पास में ही रहने वाले 2 युवकों को उठाकर मोटरसाइकिल से ले गए थे। इसके बाद उसे बच्ची की मंडी रोड पर झाड़ियों में लाश मिली थी और लाश का आधा धड़ गायब था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपने राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।